नमस्ते फ्रेंड, मैं पूजा और एक बार फिर आपका स्वागत है मेरे चैनल मॉम्स लाइव विद पूजा में। तो आज मैं जा रही थी अपने किचन की चिमनी की सफाई करने, तो मैंने सोचा कि हम आपको भी दिखाएं कि हम चिमनी की सफाई कैसे करेंगे और जैसे आपको चिमनी की सफाई करने में हेल्प मिले। तो चिमनी देखिए कितनी गंदी हो गई है। ये मेरा चिमनी करीब एक महीना हो गया है साफ़ किया हुआ, और एक महीने में देखिए इससे ऑयल टपक रहा है। तो हम आज इसकी क्लीनिंग करेंगे और हम दिखाएंगे कि हम किस तरह से अपनी चिमनी को साफ़ करते हैं। चिमनी को हम बार बार सर्विसिंग नहीं करा सकते हैं, करीब हम इसे 6 महीने में या 1 साल पे कभी आप इसकी सर्विसिंग करा लें, लेकिन ये मंथली हमें खुद घर पे साफ़ करना पड़ता है। और ये एक बार साफ़ करिए तो फिर 10-15 दिन में फिर से ये गंदा हो जाता है और इसका जो फिल्टर से ऑयल टपकने लगता है। तो चलिए हम दिखाते हैं कि हम अपनी चिमनी को झटपट कैसे साफ़ करेंगे। तो सबसे पहले हम अपनी चिमनी को निकाल लेंगे। इसी तरह हम दोनों को निकाल के नीचे उतार लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मेरी चिमनी तो गंदी तो हो भी गई है और साथ में इसमें कितने सारे मच्छर फंसे हुए हैं इस फिल्टर के अंदर। तो आप समझ सकते हैं कि ये मच्छर भी क्लीन कर देता है। सॉरी, हम मजाक कर रहे हैं, लेकिन इसमें मच्छर हमेशा, जब भी हम चिमनी को बाहर निकालते हैं उसमें हमें इतने सारे मच्छर जमा मिलते हैं। तो हम इसे क्लीन कर लेते हैं। चलिए दिखाते हैं। कितना बड़ा सा हम एक टब ले लेंगे और उसमें हम इस फिल्टर को ऐसे रख देंगे, दोनों को ऐसे रख देंगे। फिर इस पर हम गर्म पानी डालेंगे, तो पानी पूरा गर्म होना चाहिए क्योंकि इस पर तेल बहुत ज़्यादा भरा पड़ा है, इसलिए हम इसमें गर्म पानी से डालेंगे इसके ऊपर। हम इसको इतना पानी डालेंगे कि पानी में डूब जाए। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको पानी डाल दिया, पानी बहुत ज़्यादा गर्म है। इसमें आप डायरेक्ट हाथ ना लगाएं, आप चिमटे की मदद से इसको उलट पलट करें। फिर हम डाल देंगे इसमें डिटर्जेंट पाउडर, आप कोई भी डिटर्जेंट पाउडर ले सकते हैं। देखिए ऐसे पूरा डाल देंगे, करीब 2-3 बड़े चम्मच। फिर हम डालेंगे ये बाथरूम क्लीनर हार्पिक, इसे हम करीब 2-3 चम्मच के आसपास डाल देंगे और इसे हम थोड़ा सा ऐसे टब को हिला लें कि पूरे मिक्स हो जाए पानी में, और इसे हम 10 मिनट ऐसे डुबा कर छोड़ देंगे। तब तक हम चलते हैं अपने चिमनी को क्लीन कर लेते हैं। चिमनी को क्लीन करने के लिए मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट ले लिया है और फिर ये रेड वाला हार्पिक। देखिए फ्रेंड, अंदर का जो मोटर होता है कितना गंदा हो गया है और कितना ऑयल बैठा हुआ है देखिए। तो हम इसको क्लीन करेंगे, तो हम सबसे पहले हाथों में हैंड ग्लव्स लगा लें। देखिए फिर हम अपने गैस चूल्हे पे ऐसे पेपर लगा लें क्योंकि चिमनी के नीचे गैस चूल्हा ही होता है। इस पर पेपर डालें तो फिर आपको डबल मेहनत करना पड़ेगा। डिटर्जेंट पाउडर और जो मैंने ये लिया है हार्पिक, और उसको हम एक किसी टूथब्रश की मदद से, पुरानी टूथब्रश ले लें, मिक्स करेंगे और इसको हम जहाँ जहाँ ऑयल चिपका हुआ है वहाँ वहाँ हम ब्रश की मदद से ऐसे पहले हम पूरे जगहों पे लगा लेंगे। ब्रश की मदद से हम सब जगह लगा लेंगे। ऐसे किसी पुराने स्क्रॉच की मदद से सभी जगह को हम इस डिटर्जेंट पाउडर को और जो मैंने हार्पिक मिला के जो पेस्ट बनाया था वो सब पे हम ऐसे लगा लेंगे। फिर ध्यान दें, जब भी हम चिमनी साफ करेंगे सबसे पहले हम पावर ऑफ कर लेंगे और उसका प्लग को, उसके प्लग को हम बाहर कर लेंगे।
फिर सब जगह जहाँ जहाँ हम लोग का हाथ पहुँच सकता है उस एरिया में हम इसको पेस्ट को सब जगह लगा देंगे। लगाकर हम इसे 5 मिनट ऐसे छोड़ देंगे। फिर 10 मिनट हो गया है, अब हम फिल्टर को देखेंगे। तो देखिए काफ़ी हद तक तेल अपने से बाहर हो गया है, लेकिन हम बिना ब्रश लगाए इसको साफ़ नहीं कर सकते। तो एक कपड़े की ऐसे पुरानी ब्रश ले लें और इसको हम पानी में ही रख कर हम इसे ब्रश की मदद से हल्का हल्के हाथों से चारों तरफ से थोड़ा सा रगड़ लेंगे। ठीक है, तुरंत 1 मिनट भी नहीं लगा ये क्लीन हो गया। इस तरफ भी हम हल्के हाथों से ब्रश को घुमाते हुए क्लीन कर लेंगे। देखिए इसी तरह दूसरे वाले को भी कर लेंगे। ये पानी अभी काफ़ी ठंडा भी हो गया है 10 मिनट में, इसलिए हम इसको पानी के अंदर ही क्लीन कर ले रहे हैं। देखिए इसी तरह मैंने दूसरे वाले फिल्टर को भी ऐसे क्लीन कर दिया है। इसको हम बाहर रख देंगे और इस पानी को हम सिंक में गिरा देंगे। उसी टब में हम फिर इस फिल्टर को रखेंगे, फिर हम इसमें फिर से पूरा गर्म पानी डालकर डुबा देंगे। फिर हमने गर्म पानी में अपने फिल्टर को फिर से डुबा दिया है और इसमें अभी भी ऑयल निकल रहा है, तो इसमें हम थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर और डाल लेंगे और चिमटे की मदद से हम इसको पानी में घुमा देंगे ताकि डिटर्जेंट सब पानी में घुल जाए। और इसे हम 2-3 मिनट के लिए और इसमें डुबा कर छोड़ देंगे। 2-3 मिनट हो गया है, अब हम इसको बाहर निकाल लेंगे। और फिर हम इसे देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे से साफ हो गया है चिमनी का फिल्टर। फिर हम ऐसे इसको फैला के थोड़ा सा सूखने देंगे फिर चिमनी को क्लीन कर लें। फिर हम किसी पुराने कपड़े की मदद से कपड़े को थोड़ा सा हम गीला कर लेंगे, किसी सॉफ्ट पुराने कपड़े से हम इसे अच्छे से पोछ कर क्लीन कर लेंगे। जहाँ जहाँ हमने डिटर्जेंट लगाया था सभी कोनों को हम अच्छे से घुसा कर पोछ लेंगे। देखिए इसके बटन्स को हम जहाँ जहाँ हम लोग का हाथ नहीं पहुँच सकता वहाँ हम ब्रश की मदद से क्लीन कर लेंगे ऐसे। देखिए फ्रेंड्स मैंने अपनी चिमनी को साफ कर लिया है पूरा अंदर से, देखिए कितना काफ़ी हद तक ये क्लीन हो गया है। और हम अपनी चिमनी को ऐसी हर महीने साफ़ करती हूँ। देखिए फिर हम फिल्टर को हम सेट कर देंगे। देखिए उसी तरह हम दोनों फिल्टर को लगाकर सेट कर देंगे। जब हम अपने चिमनी इतनी आसानी से घर पे ही साफ़ कर ले तो फिर हम इसका हम बार बार सर्विसिंग क्यों कराएं। तो इसी तरह आप भी अपनी चिमनी को क्लीन कीजिए। हमें चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।